प्रदर्शन करेगी और हरियाणा की। धनतेरस से ही शुरुआत हो जाती है 5 दिनों के दीपोत्सव की और धनतेरस के मौके पर भगवान धन्वंतरी की आराधना करते हैं। मान्यता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी और कुबेर की भी पूजा करते हैं, लेकिन कैसे करें पूजा कि घर में हो धन वर्षा, बताएंगे हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और हमारे साथ हैं आचार्य भावना शर्मा, जो बताएंगे कि आखिर कैसे करें आराधना कि भगवान प्रसन्न हो और धन्वंतरी के खजाने से कुबेर के खजाने के आप भी हिस्सेदार बने। इससे पहले भावना कि हम पूजा की शुरुआत करें, अपने दर्शकों को बताएं कि पूजा आराधना कैसे की जाती है, सबसे पहले आप बताएं कि आखिर धनतेरस का महत्व क्या है। बिल्कुल मेनिका, हम महत्व के ऊपर भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे जितने भी दर्शक हैं उन सबको ये 5 जो पर्व हैं, जो साल के मुख्य त्यौहार हैं, उसकी बहुत शुभकामनाएं। और ये आपने बहुत अच्छी चीज़ से शुरुआत करी है कि धनतेरस का महत्व, क्योंकि मुझे लगता है कि जितने भी त्यौहार हम मनाते हैं उसके पीछे का सिग्निफिकेंस जानना बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए महत्व की सबसे पहले बात करूँ। तो जो धनतेरस का पर्व है, आप धनतेरस यानी कि धन को 13 times मल्टीप्लाई करना, उसका मतलब हो जाता है धनतेरस। तो नाम से ही आप समझ पा रहे हैं कि इस दिन आप चाहते हैं अगर आपके घर के खजाने भर जाएं तो धनतेरस पर माँ लक्ष्मी के चरण ज़रूर पकड़ लीजिए। अब महत्व क्या है, समुद्र मंथन जब हुआ था, ये माइथोलॉजिकल स्टोरी मिलती है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उस समय पर 14 रत्न निकले थे और 14 रत्नों में से एक थे भगवान धन्वंतरी और साथ ही में माँ लक्ष्मी उस समय पर उत्पन्न हुई थी। तो जो धन्वंतरी वैद थे उन्हें कहा जाता है आयुर्वेद के देवों के वैद उन्हें कहा जाता है। तो इसीलिए धनतेरस का पर्व आरोग्यता प्रदान करता है। इस दिन जो भी इंसान धन्वंतरी वैद की पूजा करता है, उन्हें अपने घर में स्थापित करता है, तो आप जान लीजिए कि आपके घर में आरोग्यता रहेगी, आपके घर में कभी भी बीमारी नहीं आएगी। दूसरी चीज़, धनतेरस का पर्व माँ लक्ष्मी के लिए बहुत खास होता है और मैं बहुत छोटे से समय में आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूँगी, क्योंकि ये खास तौर पर धनतेरस से जुड़ी हुई स्टोरी है माँ लक्ष्मी की। एक बार भगवान विष्णु जो थे वो भूमि लोक पे जाने के लिए तैयार हुए, तो माँ लक्ष्मी ने जिद करी उनके साथ चलने की। तो जब उन्होंने इतना आग्रह किया तो भगवान विष्णु उनको साथ लेकर के चले गए, लेकिन मना करने के बावजूद भी माँ लक्ष्मी जो है वो दक्षिण दिशा की तरफ चली गई और उन्होंने खेत में से कुछ फूल और फल तोड़कर खा लिए। और उसके बाद भगवान विष्णु ने उन्हें चोरी का श्राप दे दिया और कहा कि तुम 12 साल तक इस किसान का, जिसका वो खेत था, 12 साल तक उसके घर में तुम वहाँ उनकी सेवा करोगे। अब जब माँ लक्ष्मी जिसके घर में हो, उसके घर तो धन धाने की वर्षा होती है, तो इसीलिए माँ लक्ष्मी उस किसान के घर में रहीं और 12 साल तक उसके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन जब 12 साल बाद भगवान विष्णु उन्हें लेने के लिए आए तो उस किसान ने उन्हें रोक लिया, उसे उनको जाने नहीं दिया। तो माँ लक्ष्मी ने उस समय पर उससे कहा कि तुम अभी मुझे जाने दो, लेकिन तुम कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी तिथि है, जिस दिन हम धनतेरस का पर्व मनाते हैं, उस दिन दीपदान करना यानी कि दीपक जलाना अपने घर में और साथ ही में मेरी पूजा ज़रूर करना, तो मैं तुम्हारे घर में अदृश्य रूप से स्थायी रूप में रहूँगी। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अदृश्य रूप से और स्थायी रूप में रहूँगी, तो तभी से धनतेरस का पर्व जो था वो इतना ज़्यादा प्रचलित हुआ। और इस दिन हम भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं, वो हमें आरोग्यता देते हैं, माँ लक्ष्मी जो हैं वो हमारे घर में वैभव लेकर के आती हैं, सुख संपन्नता लेकर के आती हैं, और कुबेर भगवान जो कोषाध्यक्ष कहे जाते हैं, उनका घर में जो डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, तो कुबेर भगवान जो हैं उनकी पूजा भी इस दिन ज़रूर की जाती है। स्वास्थ्य और समृद्धि दोनों का वास होता है, तो पूजा की शुरुआत करें। उससे पहले एक और सवाल, पूजा के वक्त का भी बहुत महत्व है, शुभ मुहूर्त, प्रदोष काल में ही पूजा क्यों की जाती है? देखिए मेनका, क्योंकि प्रदोष काल, अब आप समझिए इस चीज़ को, कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि भगवान शिव की पूजा के लिए बहुत खास है और प्रदोष काल भगवान शिव की पूजा के लिए बेहद खास है। तो इसी दिन भौम प्रदोष व्रत भी पड़ रहा है, क्योंकि मंगलवार के दिन ये तेरस पड़ने की वजह से भौम प्रदोष व्रत हो गया है और साथ ही में धनतेरस का पर्व, तो अपने आप में खास संयोग है, इसीलिए प्रदोष काल का महत्व तेरस के दिन बढ़ जाता है। और जो टाइमिंग की बात आपने कही उसकी बात कर लेते हैं, तो सबसे पहली चीज़ आप लोगों को बता दूं कि इस बार त्रयोदशी तिथि रहने वाली है, वो 3 November तक रहेगी, तकरीबन 9:05 तक। इसके अलावा शुभ मुहूर्त की मैं बात कर लूँ तो शुभ मुहूर्त जो पूजा का मुहूर्त रहेगा वो रहेगा शाम को 6:15 से लेकर के 8:15 तक आप लोग पूजा कर सकते हैं धनतेरस की।
और साथ ही में जो आपने प्रदोष काल की बात करी, तो प्रदोष काल का जो समय रहेगा वो 5:34 PM से लेकर के 8:30 बजे तक का रहेगा। तकरीबन इस बीच में आप लोग पूजा जो है, जो पूजा का टाइमिंग भी मैंने बताया, कर सकते हैं। दीपक जलाने की जब बात आ जाती है, क्योंकि धनतेरस पर भी यम का दीपक जलाया जाता है, तो दीपक जो आप जलाएंगे वो भी टाइमिंग जो रहेगा वो 5:30 बजे से लेकर के तकरीबन आप लोग 8:30 बजे तक इस समय में दीपक भी जला सकते हैं। ठीक है, तो आगे भी बातचीत चलती रहेगी, बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि लोगों के जहन में ये भी बात होती है कि पूजा की शुरुआत कैसे करें, साथ ही लोगों के जहन में ये भी होता है कि धनतेरस पे खरीदारी क्या करें, तमाम चीजें, तमाम सवाल, उन सवालों के जवाब आपसे लूंगी, लेकिन पूजा की हम शुरुआत करते हैं। जी बिल्कुल मेनका, पूजा की शुरुआत करते हैं, और जैसे आपने कहा कि बहुत लोग ना कंफ्यूज्ड होते हैं पूजा करी कैसे जाए धनतेरस पर, क्योंकि खरीदारी जितनी महत्वपूर्ण है उतनी ही ज़्यादा पूजा भी महत्वपूर्ण है। तो जैसे कि आप सब लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक चौकी है और चौकी पर लाल कपड़ा, लाल आसन हमने बिछाया हुआ है। यहाँ पर गणेश जी की मूर्ति आप देख रहे हैं, माँ लक्ष्मी की मूर्ति आप देख रहे हैं, साथ ही में कुबेर भगवान की मूर्ति आप देख सकते हैं। तो देखिए, माँ लक्ष्मी जो है भगवान गणेश की माँ है, तो इसीलिए आप उन्हें दाहिने स्थान देंगे, और साथ ही में कुबेर भगवान जो है, आप जब भी पूजा करेंगे तो आपका जो फेसिंग होना चाहिए, फेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वास्तु के अनुसार ही सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर रखा हुआ है। तो इसीलिए जब भी आप पूजा करेंगे आपका ईस्ट फेसिंग होना चाहिए, और जो आप घर में चौकी बिछाएंगे या चौकी रखेंगे वो आपके घर का नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होना चाहिए, यानी आपके घर का उत्तर पूर्व की दिशा, जिसे ईशान कोण कहा जाता है, जहाँ पर हमारे जो कोषाध्यक्ष हैं यानी कि जो कुबेर भगवान है उनका स्थान भी है। तो आप अगर कुबेर भगवान को अपने घर के उत्तर पूर्व की दिशा में जगह देंगे तो आपके घर के खजाने अपने आप भर जाएंगे, क्योंकि वो उस जगह को भरेंगे तो सही ना। तो इसीलिए आप सबसे पहले एक लाल आसन बिछाइए, उसके बाद आप माँ लक्ष्मी को, भगवान गणेश को, कुबेर भगवान को स्थापित कीजिए। इसके अलावा अगर आपको धन्वंतरी वैद्य का कोई विग्रह मिल जाता है तो आप उनको भी अपने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में स्थापित कर सकते हैं, नहीं तो आप उनके जगह आप कोशिश ये करें कि आप हाथ से आकृति बना करके भी पूजा की जा सकती है। क्योंकि क्या होता है कि हम जब भी कोई मानसिक पूजा को महत्व ज़्यादा दिया जाता है, तो बेशक से आप छवि नहीं भी बना पा रहे हैं, तो मानसिक पूजा हमेशा बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, मन में छवि, मन में छवि रखें, और खासतौर पे उन लोगों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जिनके घर में बार बार बीमारियां आती हैं, तो वो लोग इस दिन धन्वंतरी वैद्य की मानसिक पूजा जरूर करें अगर आपको विग्रह नहीं मिल पाता है। अब हम बात करते हैं पूजा की, तो मैंने कहा सबसे पहले आप फूल अर्पित कर दें, और मैं एक एक करके आपको माला देती जाती हूँ। आप सबसे पहले भगवान गणेश को जो फूलों की माला है वो चढ़ाएं, और गणेश जी, जी गणेश जी को माला सबसे पहले हम अर्पित करते हैं। यस, और गणेश जी के मंत्रों के साथ आप ये कर सकते हैं, ओम गणपते नमः, इस मंत्र के साथ आप जो माला है वो अर्पित कर सकते हैं। साथ ही में अब हम माँ लक्ष्मी को माला अर्पित करेंगे, और फिर आप कुबेर जी को माला अर्पित करेंगे। तो ये जो खास तौर पे ये जो विधि है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पहले आपको क्या करना है, बाद में आपको क्या करना है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप माँ लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ इस दिन श्री यंत्र की स्थापना अपने घर में करते हैं, तो उस समय पर आप श्री सूक्त जी का पाठ ज़रूर करें। जो समय आपको बताया गया है कि जिस समय पर आपको पूजा करनी है, उस समय पर श्री सूक्त जी का पाठ आपको ज़रूर करना है। इनकेस आपके घर में कई बार होता है कि अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती लोगों को ना, पैसा आए कहाँ से, जॉब में कोई दिक्कत है और कोई परेशानी है, तो खास तौर पे धनतेरस वाले दिन श्री यंत्र की स्थापना करें उस मुहूर्त के अंदर, और उसके बाद आप गुलाब का एक पुष्प अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ फूलों की बात हम कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं पीले रंग के पुष्प हमने अर्पित किए हैं, रंगों का खास महत्व होता है। माँ लक्ष्मी को गुलाब बहुत ज़्यादा पसंद है, और पीला रंग जो होता है वो घर में शुभता लेकर के आता है। हल्दी का इस्तेमाल हम करते हैं ना हर चीज़ के शुभ के कार्य में, तो पीला रंग शुभता लेकर के आता है। यहाँ पर हमने पीले रंग के फूल इस्तेमाल किए, लेकिन आप लोग गुलाब का पुष्प इस्तेमाल कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी कमल के पुष्प पे विराजमान होती हैं, तो कमल का पुष्प आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं थाली में कितनी सारी चीज़ें रखी हैं। अब आप तिलक लगा दीजिए मैंने कहा, और तिलक भी पहले सबसे पहले गणेश जी को, क्योंकि गणेश जी को तो वरदान मिला हुआ है ना कि सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा जो है वो की जाएगी, उसके बाद सभी देवी देवताओं की पूजा की जाती है। एक छोटी सी चीज़ मैं आप सबको बताना चाहूँगी, माँ लक्ष्मी की पूजा भगवान विष्णु के साथ भी आप लोग ज़रूर करें। अगर
संतान से जुड़ी हुई दिक्कत है तो इस दिन गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ शाम के समय ज़रूर करना चाहिए। इसके बाद हम दीपों की भी बात करेंगे। दीपक हमने जलाया हुआ है और दीपक का महत्व क्या होता है? देखिए मेरे हिसाब से ना मेनका, हम जितनी भी ये चीज़ें करते हैं, जितनी भी रिचुअल्स हम फॉलो करते हैं, हर एक चीज़ के पीछे एक महत्व छुपा हुआ है और हम अगर उस महत्व को समझते हैं तो शायद हमें करना और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। बिल्कुल, तो दीपक करते हैं। बिल्कुल, तो दीपक यहाँ पर जलाया हुआ है, गाय के घी का दीपक आपको जलाना है और आप चाहें तो चौमुखा दीपक भी जला सकते हैं क्योंकि कार्तिक का महीना दीपदान के लिए श्रेष्ठ माना गया है। कार्तिक का महात्म्य अगर आपने पढ़ा है तो उसमें दीपदान सबसे श्रेष्ठ होता है, तो चौमुखा दीपक जला करके आप 13 दीपक ज़रूर जला सकते हैं। 13 दीपकों में से 5 दीपक जो रखेंगे वो अपने घर के, सबसे पहले आप अपने घर के पूजा स्थान में जो आपका उत्तर पूर्व की दिशा है वहाँ रखेंगे, माँ लक्ष्मी के, भगवान गणेश के और कुबेर भगवान के आगे, वो अखंड दीपक की तरह जलता रहेगा पूरी रात। उसके बाद आप एक दीपक जो घर का भंडार होता है, जहाँ माँ अन्नपूर्णा की पूजा की जाती है, यानी कि आपके घर का किचन साउथ ईस्ट डायरेक्शन, वहाँ आप रखेंगे। एक दीपक जो होगा वो घर की मुखिया के रूम में रखा जाएगा। एक दीपक आपको रखना है जो घर में पानी का स्तोत्र है, क्योंकि पानी की जो जगह होती है ना, वास्तु में वाटर मीन्स योर मनी कहते हैं ना, पानी जो है वो खुला नहीं बहना चाहिए, वाटर टैप्स लीक नहीं होने चाहिए, ऐसा होगा तो आपका पैसा जो है वो बहता चला जाएगा। इसीलिए आपको पानी का जो भी आपका सोर्स है वहाँ पर एक दीपक आप ज़रूर रखें और 2 दीपक आप अपने घर के मेन एंट्रेंस पर लगा सकते हैं, सो दैट क्योंकि धनतेरस के दिन से ही स्वागत के लिए। बिल्कुल, तो ये विधि रहेगी दीपक की। और ख़ास तौर पे अगर मैं महत्व की बात करूं तो दीपक का मतलब होता है कि आप अंधकार से उजाले की तरफ जा रहे हैं, जो संदेश है इस पूरे त्योहार का, या ज्ञानता से ज्ञानता की तरफ जा रहे हैं, तो इसीलिए। और जब दीपक का घी धीरे धीरे पिघलता है तो यह हमारे अंदर का अहम होता है, हमारे अंदर का अहम घटता जाता है और हम नॉलेज की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो इसीलिए तो हम सब स्पिरिचुअलिज्म से इतना ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत बात आपने बताई, घी जैसे जैसे पिघलता है अहम पिघलता है। बिल्कुल, इसका संदेश, हमने तिलक लगाया, पहले फूल फिर तिलक, यानी कि पहले श्रृंगार का काम हमने पूरा किया। अब हमें यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे मिष्ठान रखा हुआ है, 5 फल हमने रखे हुए हैं, तो आप जब भी पूजा में इस्तेमाल करेंगे 5 तरह के फल आपको लेने हैं, 5 तरह की मिठाई आपको लेनी है क्योंकि गणपति जी के प्रिय होते हैं मोदक या लड्डू, तो यहाँ पर लड्डू का भोग आप सबसे पहले लगाइए, भगवान गणेश को लगाइए, उसके बाद में स्थान का भोग माँ लक्ष्मी को लगाएं और इसी तरह से जो फल हैं वो भी हम इसी तरह से समर्पित करेंगे। और क्योंकि दीपावली के पूजन में और ख़ासतौर पे हर पूजन में षोड़ोपचार से पूजा की जाती है, षोड़ोपचार का मतलब होता है 16 तरह की विधि, उसमें धूप दीप नैवेद्य मिठाई ये सारी चीज़ें, श्रृंगार का सामान, सारी चीज़ें एक एक करके जो है वो आ जाती हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर जितनी चीज़ें मेरे सामने रखी हुई हैं उसके साथ साथ हम पूजा करेंगे। साथ ही में कलश का महत्व की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने कहा कलश को ना कई लोग समझते हैं कि हम स्थापित करें तो उसका महत्व क्या है और क्या विधि होनी चाहिए। पूजा करते हैं तो संकल्प लेकर के करते हैं। ध्यान रखिए, जब भी आप धनतेरस के दिन पूजा करेंगे या किसी भी दिन आप पूजा करें तो आप संकल्प लेकर के पूजा करें, क्योंकि आप संकल्प नहीं लेते हैं तो वो सारा आपका जो पूजा का वो है वो इंद्र भगवान को चला जाता है। तो इसीलिए जब भी पूजा करी जाए या कोई पाठ आप कर रहे हैं तो आप संकल्प लेकर के ही पूजा करें। कहते हैं संकल्प अगर मन में लें तो वो किसी को बताना नहीं चाहिए, बताना नहीं चाहिए। अगर आपके पीछे की क्या मान्यता है? देखिए, आप अगर किसी पंडित से संकल्प ले रहे हैं तो वो डेफिनेटली, वो तो आप उनसे ले रहे हैं, लेकिन दूसरी चीज़ आप जब खुद से संकल्प लेकर के, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा था कि मानसिक पूजा का महत्व जितना ज़्यादा होता है उतना फिजिकल चीज़ों का नहीं होता है, तो इसीलिए संकल्प जितना आप मन में धारण करके उसको पूरा करते हैं उसका महत्व उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है। अब जैसे मैं कलश की बात कर रही थी तो कलश का एक बार महत्व समझ लेते हैं। कलश का जो मुख होता है, इसका जो ऊपर का हिस्सा आप देख रहे हैं, इसमें भगवान विष्णु का वास है, इसके कंठ में भगवान शिव का वास है, इसके मूल में होता है ब्रह्मा जी का वास, और इसका जो मध्य हिस्सा होता है, मिडल भाग जो होता है, इसमें सारी देवियों का वास माना जाता है। तो कलश स्थापना अपने आप में सारी देवी देवताओं की उपस्थिति जो है वो बताती है। तो इसलिए जब भी कोई खास पूजा करें, धनतेरस का पर्व से तो 5 पर्व की शुरुआत हो जाती है, चाहे आप इसी दिन से शुरुआत करके कलश स्थापना कर सकते हैं या फिर आप
इस दिन से इस दिन कलश स्थापना करके उसके बाद दीपावली पर आम के पत्तों के साथ कलश जो है वो सजा करके फिर स्थापना कर सकते हैं। तो मान लीजिए आप कि आप कलश स्थापना कर रहे हैं तो सारी देवी देवताओं की उपस्थिति जो है आपके घर में उत्तर पूर्व की दिशा में रहेगी। आपने कहा मंत्रोच्चारण बहुत जरूरी है, तो मैं चाहूंगी कि अब आप मंत्रोच्चारण भी बताएं कि कौन कौन से मंत्र धनतेरस के मौके पर पूजा के दौरान करना चाहिए। तो सबसे पहले आप जब गणेश जी की पूजा कर रहे हैं तो गणेश जी के लिए सबसे आसान मंत्र है ओम गण गणपते नमः। इस मंत्र के साथ आप गणेश जी का आवाहन जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो ओम महालक्ष्मी नमः या फिर लक्ष्मी स्तोत्र या लक्ष्मी चालीसा का पाठ या फिर लक्ष्मी जी के 108 नामों का जाप आप उस समय पर कर सकते हैं। और इसके अलावा कुबेर भगवान की पूजा जब आप करते हैं तो कुबेर भगवान की स्तुति के साथ आप उस समय पर पूजा कर सकते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि जब आप श्री यंत्र की स्थापना करते हैं जो कि माँ लक्ष्मी की ही पूजा के समान हो जाती है, तो उस समय पर श्री सूक्त जी का पाठ आप ज़रूर करेंगे। तो ये कुछ विधि है, ये कुछ इस तरह से आप मंत्रोच्चारण करके, ये बहुत आसान मंत्र हैं क्योंकि हर किसी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि उस समय पर पूरे मंत्रोच्चारण कर सकते हैं। कहते हैं कि मंत्र गलत नहीं होने चाहिए, बिल्कुल, इसलिए जरूरी है कि आसान मंत्र ही रखें। बिल्कुल, इनफैक्ट अगर जैसे मैंने कहा था कि गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ तो पूरा संस्कृत में होता है, तो इसीलिए अगर आप पूरा पाठ नहीं कर सकते हैं तो आप ऑडियो फॉर्म में चला करके उसे सुन जरूर लीजिए। वहां पर आप बैठे हैं पूजा के समय पर या कोई भी मंत्रोच्चारण आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऑडियो फॉर्म में चला लीजिए और उसे सुन लीजिए उस समय पर बैठ करके, और ध्यान जरूर लगाइए। उस समय पर ध्यान मुद्रा में बैठना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए धनतेरस का मौका है और आप इस तरह से पूजा विधि जो है अपना सकते हैं। भावना जी, एक और सवाल जी, पूजा संपन्न हुई लेकिन कहते हैं कि उसके बाद क्षमा याचना भी जरूरी है अगर कहीं कोई गलती हो गई हो तो। बहुत ज्यादा जरूरी है और एक छोटा सा मंत्र है, बहुत सिंपल सा मंत्र है, उसके साथ आप अपनी क्षमा याचना जो है वो कर सकते हैं। मंत्र सुन लीजिए। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत पूजते मया देवी परिपूर्ण तदस्तु में, यानी कि मेरी पूजा जो है वो मंत्रहीन है, क्रियाहीन है या भक्तिहीन है या जिस भी रूप से मैं अपनी पूजा आपको समर्पित कर रही हूँ, लेकिन आप इसे अपनी जो आप मुझे देने वाले हों उससे आप परिपूर्ण कीजिए। तो ये मंत्र है छोटा सा, इससे आप अपनी पूजा को, अपनी क्षमा याचना करके पूजा को पूर्ण कर सकते हैं। धन्यवाद भावना। और यहाँ पर उम्मीद है कि जो हमारे दर्शक हैं उन्हें भी ज़रूर इससे फ़ायदा होगा, लाभ होगा। उन्हें भी अगर उनके मन में कहीं कोई सवाल, कोई हिच हो कि आखिर कैसे करें आराधना, कैसे करें पूजा कि धन्वंतरी भगवान प्रसन्न हो, तो उन सवालों का जवाब ज़रूर मिल गया होगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपकी ये पूजा बहुत ही सार्थक सफल हो।